खबर है जनपद अयोध्या से। आपको बता दें, जनपद अयोध्या के सुहावल तहसील क्षेत्र में रौनाहे ड्योढ़ी संपर्क मार्ग पर स्थित फैजे आम मुस्लिम इंटर कॉलेज में दो छात्रों का विद्यालय प्रशासन ने धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर नाम काटे जाने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। क्यों न हो जब सनातन धर्म की बात आए, जिसकी पहल अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने कर दी है, जिसको लेकर मुस्लिम इंटर कॉलेज में हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों में हुए विवाद पर हिंदू छात्रों पर की गई कार्यवाही से नाराज जगत गुरु परमहंस दास ने रौनाही कूच का प्रयास किया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद DSP डॉक्टर राजेश तिवारी ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ मौके पर नियंत्रण कर दिया। इस दौरान जगत गुरु परमहंस दास को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि अयोध्या के रौनाही में मुस्लिम द्वारा स्थापित विद्यालय में मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा है। जिस तरह से विरोध करने पर हिंदू बच्चों को विद्यालय से निष्कासित किया गया है, वही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर रौनाही मिलने जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने मुझे जबरन रोक दिया। उन्होंने कहा कि दुखद हिंदू धार्मिक प्रताड़ना की शिकार देश में हो रहे मुस्लिम विद्यालयों में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है। परमहंस दास ने मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया है, इस मामले को संज्ञान में ले और विद्यालय की मान्यता रद्द हो, प्रबंधक भेजा कहना है कि प्रबंधक जेल भी भेजा जाए। तो वहीं जगत गुरु परमहंस दास ने ऐलान किया कि अगर संतोषजनक कार्यवाही नहीं होगा तो विद्यालय में जाकर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाएंगे। इस मामले में DSP डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच उपरांत कार्रवाई होगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। के रौनाही में एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया विद्यालय, जिसमें मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा की जा रही थी, उसमें दो देशभक्त बच्चे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, अपना प्रताप की चर्चा करने लगे तो उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये जैसे ही मुझे समाचार मिला मैं बड़ा आहत हुआ। अभी तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि संतोषजनक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही मैं निकलने लगा तो प्रशासन ने बताया कि उस पर जांच चल रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी संवैधानिक को की जाएगी। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा एक हफ्ते तक, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में किसी विद्यालय में मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा हो, जिन लोगों ने देश को लूटा है, आतंकवादियों की प्रशंसा हो और देशभक्तों की चर्चा करने पर उनको पनिशमेंट में उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी जरूर इसका संज्ञान लेंगे और इस तरह जहां कहीं भी जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां अगर किसी आतंकवादी की अगर मुगल आक्रांताओं की चर्चा होती है तो उन विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाएगी, जो संस्थापक हैं उन पर जो है संतोषजनक कार्रवाई की जाएगी। वंदे मातरम। देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो बातें हैं इसके संबंध में ऑलरेडी पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है, साथ ही साथ प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर जांच कमेटी बैठा कर कार्रवाई की जा रही है। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निस्संदेह जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। महाराज जी को मैंने यह आश्वासन दिया है जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी हम द्वारा उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से की जाएगी।